हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दैट्स फिल्टर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम कुछ इस तरह का कलर इमेज वाला स्टेटस वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं या एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक देखते जाइए बिना स्किप किए। एंड गाइज, आप जब हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो को देख सके। एंड गाइज, वीडियो को एक लाइक जरूर करना यार, और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करना है और यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो ऐड कर लेना है। तो यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो दोस्तों मैं 9:16 ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं अपना कोई इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो इसका मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ड्यूरेशन। इंक्रीज़ करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल से इस वाले इमेज को आपको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करके फिल्टर में जाना है एंड दोस्तों यहाँ पर आपको मोनो वाला इफेक्ट में से जो फोर्थ नंबर वाला इफेक्ट है, फोर्थ नंबर वाले इफेक्ट को आपको ऐड कर लेना है। फोर्थ नंबर वाले इफेक्ट को ऐड करने के बाद दोस्तों आपको ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन वाला टेम्पलेट ऐड कर लेना है। स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद मैं बैका था और नीचे क्रोमा की पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको इनेबल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने इनेबल कर दिया है। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा आपका। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से फर्स्ट में आना है और यहाँ इसको सेव कर लेना है। सेव पर क्लिक करके और सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं सेव एज वीडियो पर क्लिक करता हूँ और यह वीडियो आपका सेव हो जाएगा। तो ये देखिए आपका वीडियो सेव हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करना है। क्रॉस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये देखिए कुछ इस तरह से ये नीचे ग्रीन वाला है ब्लू स्क्रीन, उसको डिलीट कर देना है सेलेक्ट करके। और आपको इमेज को सेलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको फिल्टर में जाना है एंड दोस्तों ऊपर ही ऊपर जाकर आपको यहाँ नन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया है मैंने। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए मैं फर्स्ट में आकर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं मीडिया पर क्लिक करता हूँ और ये वाला टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेता हूँ। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद मैं स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एंड नीचे जाकर दोस्तों ब्लेंडिंग पर क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों यहाँ से स्क्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्क्रीन वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मीडिया पर जाता हूँ। और दोस्तों ये ब्लू कलर वाला जो हमें अभी एक्सपोर्ट किया था वीडियो, वो वाला ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है एंड दोस्तों नीचे जाकर क्रोमा की में जाना है और यहाँ से दोस्तों ये वाला जो इसको इनेबल कर दें हम बटन पर क्लिक करिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये दिखेगा, है ना। तो इसके बाद अभी क्या करना है आपको, फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। इस तरह से दिखेगा हमारा कुछ, एक बार देख लीजिए आप। तो अब एक चीज़ बाकी है, इसलिए लेयर पर जाना है और मीडिया में जाना है और आपको ये वाला टेम्पलेट भी ऐड कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन करना है एंड दोस्तों बैक आकर आपको नीचे जाना है और यहाँ से दोस्तों ब्लेंडिंग पर टैप करके इसको भी स्क्रीन कर देना है। तो ये देखिए गाइज, आपका वीडियो कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा था। जो प्रीव्यू वीडियो में आपने देखा था बिल्कुल वैसा क्रिएट हो चुका है। तो इसको सेव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ कॉर्नर में क्लिक करना होगा एंड देन दोस्तों आपको यहाँ से सेव एज वीडियो पर क्लिक करना होगा गैलरी में सेव करने के लिए। तो गाइज, आपका वीडियो सेव होने लगा है। तो फिलहाल तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ एंड गाइज, वीडियो में मज़ा आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।